Hello dear students, in this video we are going to read chapter 6 of SSTR class 5. Topic is the temperate grassland region. Our today's video we are going to start from page number 45. Dear students, in page number 45, in the starting of this page there are two images. First is related from a Kyrgyz family and second is the types of American Indians. Now we are going to know about, now we are going to start the reading of chapter. However, when the Europeans came to know how rich the soil of the grassland was, they started establishing huge farms here. यूरोपियंस को ग्रासलैंड की सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में पता चला ना, उसके बाद वे वहाँ पे ह्यूज फॉर्म्स इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया, मतलब बड़े बड़े खेत उन्होंने वहाँ स्थापित करने. टुडे मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड हैव बीन बॉट अंडर कल्टीवेशन. और आज इंडीज अगर हम आज के दिनों की बात करें तो ग्रासलैंड का जो सब ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कल्टीवेशन में आ गया, मतलब वहाँ पे खेती की जाती है. द फार्म आर वेरी लार्ज एंड फार्मिंग इज हैवीली मैकेनाइज. यहाँ पे जो फार्म्स हैं वो बहुत लार्ज हैं, वेरी लार्ज हैं, और फार्मिंग जो है, खेती जो है वो हैवीली मैकेनाइज, मतलब पूरी तरह से मशीनों से खेती होती है. मशीन्स आर यूज फॉर मोस्ट ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटीज लाइक ड्राइंग, growing, harvesting and threshing. There is heavy use of fertilizer. जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं जैसे प्लॉइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, मतलब फसलों की बुआई, बीजों की बुआई और जमीन को जोतना, प्लॉइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग मतलब फसलों की जो मढ़ाई है उसमें से दाने निकाले जाते हैं, ये सारी जो फार्मिंग एक्टिविटीज हैं वो मशीनों से होती हैं. इसके अलावा ये फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब जो खाद वगैरह है ना उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. वीट, मेज एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप ड्रॉन. दीज एक्सटेंसिव फार्म प्रोड्यूस सच लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन दैट द ग्रास लैंड आर नोन एज द ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे जो फार्म्स हैं वो बहुत बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है वो भी बहुत लार्ज क्वान्टिटी में होता है. दैट्स वाई दिस ग्रास लैंड, तो इस तरह से जो ग्रास लैंड है इसको ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड का मतलब पूरे विश्व का अन्नागार, मतलब अन्न का भंडार. द ग्रास लैंड आर नोन एज द, सॉरी, लाइव स्टॉक रेंचिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द टेम्परेट ग्रास लैंड. इन द ड्रायर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज हॉर्सेज एंड कैटल्स आर यूज्ड इन लार्ज फार्म्स कॉल्ड रेंचेस. On the range, livestock is taken, taken care by animal herders called cowboy. Cowboy often travel for days together with the cattle in search of fresh pasture. These days, cowboys have started using trucks and motorbikes to round up cattle. Dear student, farming के अलावा जो another important activity यहाँ पे है वो livestock ranching. Livestock ranching का मतलब पशुपालन. तो जो रेंचिंग है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरी, मतलब प्रेरी के पश्चिमी हिस्से में. तो रेस्टोरेंट जो प्रेरी का पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे घासों की लंबाई पूर्वी हिस्से जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरी है उसकी अपेक्षा छोटी होती है, तो यहाँ पे पशुपालन ज़्यादातर होता है. और यहाँ पे जो बड़े फार्म होते हैं जहाँ कैटल्स को रेयर किया जाता है उसको रेंचेज कहते हैं. और इन रेंचेज में जो वर्क करते हैं, जो कैटल्स को केयर करते हैं, हर्डर्स मतलब पशुपालक जो होते हैं उनको काउबॉयज कहा जाता है. तो जो काउबॉयज हैं वो ट्रेडिशनली हॉर्स को यूज़ करते थे कैटल्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इन दीज डे दे यूज मोटर बाइक्स एंड ट्रक्स. लेकिन इस समय वो मोटर बाइक और ट्रक को यूज. नाउ द पंपास कैटल एंड शिप्स आर रेज्ड इन ह्यूज रेंचेस कॉल्ड स्टेंसियस. तो पंपाज रीजन में जो ह्यूज रेंचेज हैं जो यहाँ पे जानवरों को पाला जाता है उसको इंटेंसियस कहते हैं.
और हियर द पीपल हु टेक केयर ऑफ द लाइव स्टॉक आर कॉल्ड गौचेज। यहाँ पे जो उनको केयर करते हैं उनको गौचेज कहते हैं। द शीप रेज ऑन द रिच ग्रास ऑफ द पम्पास आर मच इन डिमांड अराउंड द वर्ल्ड फॉर देयर मीट एंड फूड। और डियर स्टूडेंट रिमेंबर इट, जो यहाँ पम्पास रीजन में शीप को रेज किया जाता है तो उनका वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। किसी के लिए डिमांड है? मीट एंड वूल। तो उससे जो ये ऊन और मांस उनका बनता है उसकी पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी की जो इंफॉर्मेशन है स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स से रिलेटेड उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रामानंद शुक्ला फ्रॉम एन पी एम पब्लिक स्कूल गुला बाजार। डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू दी पेज नंबर 46 ऑफ चैप्टर 6 SST ऑफ क्लास 5। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 5 SST का पेज नंबर 46 को पढ़ने जा रहे हैं। नाउ हियर देयर आर टू इमेजेस। फर्स्ट इज अ मैसिव वीट फार्म इन द प्रेरी एंड सेकेंड इज वी कैन से अ कंबाइन हार्वेस्टर हार्वेस्ट एंड थ्रेसेस द वीट एंड पुअर्स द ग्रेन इनटू अ ट्रैक्टर। तो इस तरह से ये स्टूडेंट जो प्रेरी रीजन में वीट फॉर्म होते हैं, गेहूँ के खेत होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत हैवी कंबाइन उसको हार्वेस्ट कर रही है और उसको लोड किया जा रहा है ट्रैक्टर्स में। तो हम कह सकते हैं वहाँ पे फॉर्म जो है वो बहुत ह्यूज है, लार्ज है और यहाँ पे जो फार्मिंग एक्टिविटी है वो हैवीली मैकेनाइज। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द चैलेंजेस फेसिंग द रीजन। द सॉइल ऑफ द ग्रास लैंड इज रिच बट ओवर यूज ऑफ द लैंड एंड बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर डिस्ट्रॉइंग द सॉइल मेनी प्लेसेस। ये स्टूडेंट जैसा कि जानते हैं यहाँ पे सॉइल जो बहुत फर्टाइल होती है ग्रास लैंड की, लेकिन यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी वजह से यहाँ पे सॉइल जो है डिस्ट्रॉय हो रही है कई जगह। ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो अ मेजर थ्रेट टू द ग्रास लैंड। द वे फॉरवर्ड इज टू टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ओवर ग्रेजिंग, मतलब पशुओं का बहुत ज़्यादा घास को चरना, जिससे जो ग्रासेज हैं उनकी लंबाई बहुत छोटी हो जाती है। तो ये स्टूडेंट जो ग्रासेज हैं वो हमारे सॉइल के ऊपर एक कवर का काम है और जाहिर सी बात है जब कवर हट जाएगा तो सॉइल इरोजन बढ़ता है। तो ये टाइम है डियर स्टूडेंट हमें कुछ स्टेप लेने के लिए जो वहाँ की फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल मतलब भूमि की जो उर्वरता है उसको बचाने के लिए हमें कुछ स्टेप लेने हैं। क्या है? मल्टीपल क्रॉप शुड बी ग्रोन इन रोटेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। पहला है मल्टीपल क्रॉप, जो है हमें जो फसलों को अलग अलग उगाना चाहिए, एक ही लैंड के टुकड़े पे मतलब एक ही जमीन पे हमें अलग अलग फसलों को लेना चाहिए। इससे जो रोटेशन ऑफ क्रॉप से क्या होता है कि अगर हम एक ही सिंगल क्रॉप्स को लगातार उगाते हैं तो उससे जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अगर हम ऐसा करते हैं दिस विल हेल्प रिटेन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, जिससे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व होते हैं वो दोबारा आ जाते हैं, मतलब जो लैंड है जो सॉइल है दोबारा उनको ग्रहण कर लेते हैं। नाउ देयर आर टू इमेजेस। इन फर्स्ट अ काउबॉय राउंडिंग अप कैटल इन द प्रेरी। आप देखेंगे काउबॉय जो है वो किसका यूज कर रहा है? हॉर्स का। तो जो एक लंबा एरिया होता है वहाँ पर कैटल्स को कंट्रोल करने के लिए हॉर्स का यूज करते हैं। एंड सेकेंड इमेज अ गाउच स्टैंडिंग सिम इन द पम्पास। यहाँ पर देखिए गाउच है वो हॉर्स को यूज कर रहा है और ये पम्पास रीजन है, ये हमारा आपका साउथ अमेरिका पड़ता है और प्रेरी कहाँ पड़ता है? नॉर्थ। तो स्टूडेंट इस तरह से जो एक्सप्लेनेशन आप चैप्टर 6 SST आप क्लास 5 थे वो क्लियर हुआ। आप समिंग अप और एक्सप्लोरिंग यू वर्ड्स के बारे में। हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रामानंद शुक्ला फ्रॉम एन पी एम पब्लिक स्कूल गुला बाजार। स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड
summing up of chapter 6 SST of class 5. So we are going to start. Natural grassland cover large parts of the temperate zone. This rain temperate zone का जो maximum part है, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो natural grassland से covered है. तो उसके जो है एक घास मतलब नेचुरल ग्रासेस जो है उसके ग्रोथ बड़ी. सेकेंड पॉइंट, द टेम्परेट ग्रास लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 23.5 degrees एंड 66.5 degrees. स्टूडेंट ये जो टेम्परेट ग्रास लैंड है या जो टेम्परेट रीजन है वो जब हम ग्लोब देखेंगे तो उस पर हमको 23.5 degree लैटिट्यूड से 66.5 degree लैटिट्यूड के बीच में दोनों हेमिस्फीयर में, दोनों हेमिस्फीयर का मतलब नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में मिले. इसी को हम अदर वर्ल्ड में कह सकते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक हमें मिले. कहाँ मिलेगा ये हमें? बोथ हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर भी और इक्वेटर के नीचे. दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस. जो डिफरेंट प्लेसेज हैं वहाँ पे इन्हें डिफरेंट नेम से जाना जाए. फॉर एग्जाम्पल देवर नोन एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट एंड देवर नोन एज पंपाज इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड देवर नोन एज स्टपीज इन एशिया एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड वेल्ड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट. Temperate grassland are found in area with short summer and long winter. They receive enough rainfall to support the growth of different kind of grass. ये स्टूडेंट temperate grasslands जो है जिस एरिया में पाए जाते हैं वहाँ पे जो समर्स हैं गर्मियाँ हैं वो शॉर्ट होती हैं और विंटर्स जो हैं सर्दियाँ वो लॉन्ग. इसके अलावा वो बहुत ही इतना ही रेनफॉल रिसीव कर पाते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेज, जो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेज हैं वही उग पाती हैं. वहाँ पे कोई प्लांट या ट्री ग्रो नहीं कर पाता. द ग्रास लैंड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डीपर फ्रॉम द ग्रास लैंड ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर इन लोकेशन एक्सटेंड द क्लाइमेट. इस तरह से जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो ग्रास लैंड है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वो सदर्न हेमिस्फीयर के जो ग्रासलैंड से उनसे डिफरेंट और इसके पीछे जो रीजन है वो है क्लाइमेट. इसके पीछे क्या रीजन है? क्लाइमेट. देखिए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे लंबी घासें होंगी और जहाँ कम बारिश होगी वहाँ पे जो घास है उनकी लंबाई थोड़ी कम. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रासलैंड यूज्ड टू बी लाइटली पॉपुलेटेड बाय नोमेडिक and semi-nomadic groups. Later, the Europeans brought huge stretches of the grassland under cultivation. Wheat, maize and cotton are the main crops grown here today. Grassland जो है lightly populated है, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर नहीं है और वो उसमें जो है nomadic, semi-nomadic, मतलब जो लोग permanent एक जगह पर नहीं रहते हैं या रहकर रहते भी हैं तो कुछ ही महीनों के लिए रहते हैं, तो वह इस तरह के ग्रुप्स वहाँ रहते हैं. इसके बाद यहाँ यूरोपियन आ गए और उन्होंने अपना ह्यूज स्ट्रेचेस मतलब बड़े बड़े फॉर्म बनाए और बड़े बड़े जो ग्रासलैंड के हिस्से थे उसको उन्होंने कल्टीवेट कर दिया, मतलब उसकी जुताई करने लगे और फिर उसमें फसलों को उगाने लगे. और कौन कौन सी फसलें उगाते थे? वीट, मेज एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर टुडे. और आज के समय में वीट, मेज, इसके अलावा कॉटन जो है वो मुख्य फसलें हैं जो है ना उगाई जाए. लाइव स्टॉक रेंचिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. हॉर्सेज, कैटल्स एंड शीप आर द मेन एनिमल रेज. इसके अलावा डिस्टेंट फार्मिंग के अलावा यहाँ पे लाइव स्टॉक रेंचिंग मतलब पशुपालन जो है वो दूसरा प्रमुख व्यवसाय है और इसमें जिनको रेयर किया जाता है कैटल एनिमल्स को दे आर हॉर्स, कैटल, शीप. इसमें जो हॉर्स है उसका मतलब आप समझ ही रहे हैं, कैटल्स में जो जो हम कैटल्स की बात करते हैं, इसके काउ एंड बफेलो ज़्यादा है.
our ships. And last point, unwise agriculture practice are causing great damage to the grassland. यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही हैं इससे grassland को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा. Clear everybody? Now another important exercises and other questions of this chapter we will discuss in our next video. Now thanks for watching.